हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई एस। माई नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 हुए ऑर्गेनाइज। फर्स्ट टाइम दिए जा रहे हैं ये अवार्ड्स। 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। मलेशिया ने चेंज की अपनी पॉलिसी। ओरेंगुटान डिप्लोमेसी को लेकर था कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करते हैं ये ओरेंगुटान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूरोपियन विजिट का फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। पोलैंड पहुंचे इंडियन प्राइम मिनिस्टर। हिस्टोरिक हैं इंडिया एंड पोलैंड के बीच रिलेशंस। आइए स्टार्ट करें। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में ऑर्गेनाइज हुई सेरेमनी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विनर्स को ऑनर किया। इन अवार्ड्स का ये फर्स्ट एडिशन है। टोटल 4 कैटेगरीज में 33 अवार्ड्स दिए गए। इन 4 कैटेगरीज में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल हैं। विज्ञान रत्न साइंटिस्ट्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को ऑनर करता है। विज्ञान श्री किसी पर्टिकुलर फील्ड में साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर यंग साइंटिस्ट्स को उनकी फील्ड्स में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। विज्ञान टीम के तहत 3 या फिर उससे ज़्यादा लोगों की टीम को अवार्ड दिया जाता है। देखिए 33 इंडिविजुअल्स को अवार्ड्स मिले हैं, सो सबके नेम्स को याद रखना डिफिकल्ट है, बट विज्ञान रत्न अवार्ड एक ही इंडिविजुअल को दिया गया। इन अवार्ड्स की अनाउंसमेंट के टाइम पर ही गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि एक साल में मैक्सिमम 3 विज्ञान रत्न अवार्ड्स ही दिए जा सकते हैं। विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। वो इंडिया में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में एक पायनियर थे। उन्होंने न्यू दिल्ली बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस काउंसिल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। इसके अलावा उन्हें मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मोडियम के हीम बायोसिंथेटिक पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं इसरो की चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड्स 13 डोमेन्स में दिए जाते हैं। दीज इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मलेशिया एक बार फिर से न्यूज़ में है। कुछ दिन पहले मैंने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के इंडिया विजिट की न्यूज़ को डिस्कस किया था। आज की न्यूज़ मलेशिया की ओरेंगुटान डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। देखिए मलेशिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है। पाम ऑयल प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ मलेशिया। इसके चलते मलेशिया को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जिसका मतलब ये हुआ कि दूसरे ट्रीज के बजाय पाम ट्रीज को ग्रो किया जाता है, ड्यू टू विच ऑरेंगुटान की हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही है। हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑरेंगुटान इज, बट बिफोर दैट ऑरेंगुटान डिप्लोमेसी को समझ लेते हैं। इसके चलते मलेशिया ने मई में अनाउंसमेंट की थी कि जो भी कंट्री हमसे पाम ऑयल बाय करेगा हम उन्हें ओरेंगुटान्स गिफ्ट करेंगे। मलेशिया ने इसे चाइना की पांडा डिप्लोमेसी की लाइंस पर ओरेंगुटान डिप्लोमेसी नाम दिया, बट मलेशिया के वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स को ये डिप्लोमेसी पसंद नहीं आई एंड इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। अब मलेशिया ने अपनी ओरेंगुटान डिप्लोमेसी को चेंज किया है। अब ओरेंगुटान्स को पाम ऑयल परचेज करने वाली कंट्रीज़ को गिफ्ट ना करके स्पॉन्सर कराया जाएगा। दैट मीन्स इनका कंजर्वेशन मलेशिया में ही होगा, बट अब ये कंट्रीज फंडिंग कर सकती हैं। ओरेंगुटान एक मलय वर्ड है, इसका मतलब है मैन ऑफ द फॉरेस्ट या फिर मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ओरेंगुटान मंकीज या एप्स की एशियन स्पीशीज है। दे आर फाउंड इन बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड्स। ये काफ़ी हद तक ह्यूमंस की तरह होते हैं। आपको वो वीडियो याद होगा जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें राकोस नाम के एक ओरेंगुटान ने अपने फेस पर हुए वुंड को मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करके क्योर कर लिया था। एक्चुअली साइंटिस्ट ने इंडोनेशिया की सुवाक बैलिम्बिंग रिसर्च साइट पर एक ओरेंगुटान को मेडिसिनल प्लांट की हेल्प से अपने वुंड को क्योर करते देखा था। रेगुलर मॉनिटरिंग के दौरान साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि राकोस नाम का ये ओरेंगुटान फाइब्रोरिया टिंक्टोरिया प्लांट की लीव्स का जूस अपने वोंड्स पर अप्लाई कर रहा है। ये प्लांट अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए नोन है। साउथ ईस्ट एशिया के लोग इसे बर्निंग सेंसेशन एंड पेन से रिलीफ पाने के लिए यूज करते हैं। इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। सो नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि ओरेंगुटान का मीनिंग मैन ऑफ द फॉरेस्ट क्यों होता है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जब मलेशिया ने इसे दूसरी कंट्रीज को गिफ्ट करने की बात की, देन वाइल्ड लाइफ के लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जो एनिमल अपनी नेटिव हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसे दूसरी कंट्रीज को डिप्लोमेसी के नाम पर गिफ्ट करने का क्या लॉजिक है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, टेल मी द नेम ऑफ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। रिसेंटली श्रीलंका ने इंडिया समेत 35 कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट की है। ये डिसीजन 1 अक्टूबर 2024 से इंप्लीमेंट होगा एंड 6 मंथ्स तक इट विल बी रिमेन इन द फोर्स। इस 35 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया, यूके, USA एंड जर्मनी जैसी कंट्रीज शामिल हैं। इट इज नोटवर्दी कि ये डिसीजन टूरिस्ट वीजा के लिए लिया गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वीजा। वीजा के बारे में समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि पासपोर्ट एंड वीजा दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पासपोर्ट किसी इंडिविजुअल के फॉरेन ट्रैवल के दौरान उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को बताने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट एक नेशनल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी को बताता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए पासपोर्ट वर्क्स एज एन आइडेंटिटी कार्ड। जब कोई इंडिविजुअल अब्रॉड जाता है तो इससे पहले वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। अगर उस इंडिविजुअल का पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लीगली करेक्ट हों, देन ओनली इसे वीजा ग्रांट किया जाता है। वहीं वीज़ा क्या है? वीज़ा एक तरह की ऑफिशियल परमिशन है जो किसी भी इंडिविजुअल को अब्रॉड रहने के लिए, ट्रैवल करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए लेनी होती है। Visa gives official permission to any person to enter, leave or stay in any country for a fixed time. ये परमिशन उस कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा दी जाती है, जिस कंट्री को हम विजिट करने जा रहे हैं वहां के ऑफिशियल्स द्वारा। वीजा एक सेपरेट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बट यूजुअली ये ट्रैवलर के पासपोर्ट पर लगा हुआ एक स्टैंप होता है। हर कंट्री में वीज़ा के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, श्रीलंका के रिसेंट डिसीजन ने इंडियंस के लिए वीज़ा की नीड को ही फिनिश कर दिया है। कई कंट्रीज़ में जाने से पहले आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, बट देयर आर मेनी कंट्रीज़ जहां वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी दी जाती है। कुछ कंट्रीज़ में तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग भी करने की रिक्वायरमेंट होती है। वीज़ा के कई टाइप्स होते हैं, जैसे वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा एटसेट्रा। इन सब के पीछे कंट्री की गवर्नमेंट्स का ये पर्पस होता है कि दे कैन नो हु इज़ एंटरिंग देयर कंट्री एंड उनका पर्पस क्या है। ये सब ऑफिशियल लेवल पर बड़े कॉशन के साथ किया जाता है, सो दैट डेटा के लेवल पर कोई भी एरर ना हो जाए। अगर ये फैसिलिटी नहीं होगी तो कोई भी किसी फॉरेन कंट्री से आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके चला जाएगा एंड गवर्नमेंट्स के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करंटली यूरोप में 2 नेशन विजिट पर हैं। अपने विजिट के फर्स्ट पार्ट में वो पोलैंड पहुंचे। ड्यूरिंग दिस उन्होंने पोलैंड के 3 मेमोरियल्स को विजिट किया। इनमें इंडिया के नवा नगर के जाम साहिब का मेमोरियल, जिसे स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा कहते हैं, बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो का मेमोरियल और कोल्हापुर कैंप शामिल है। मैंने डेली न्यूज़ रिपोर्ट के कल के एपिसोड में नवा नगर के जाम साहिब के साथ पोलैंड के एसोसिएशन की स्टोरी बताई थी। एक्चुअली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी एंड सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। पोलैंड के लोगों के पास कोई ऐसा लैंड नहीं था जिसे वो अपनी कंट्री बता सके। ड्यूरिंग दैट टाइम 5000 चिल्ड्रन ऑफ पोलैंड वर गिवन रिफ्यूज इन इंडिया। ये स्टोरी उस टाइम की है जब इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था एंड पोलैंड के चिल्ड्रन को रिफ्यूज स्मॉल प्रिंसली स्टेट नवानगर के किंग दिग्विजय सिंह ने दिया था। उन्हें जाम साहिब के नाम से भी जाना जाता है। पोलैंड में उनके नाम से स्कूल्स एंड मेमोरियल्स बिल्ड किए गए हैं। पोलैंड में उन्हें गुड महाराजा के नाम से जानते हैं। वहीं कोल्हापुर मेमोरियल को कोल्हापुर की रॉयल फैमिली की मेमोरी में बिल्ड किया गया है। इस फैमिली ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड की विमेन एंड चिल्ड्रन को शेल्टर दिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम कोल्हापुर में एक कैंप की फैसिलिटी अरेंज की गई थी। इसमें अराउंड 5000 पोलिश चिल्ड्रन एंड विमेन को शेल्टर या फिर रिफ्यूज दिया गया था। इसके अलावा बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली में हुआ था। इसमें इंडिया एंड पोलैंड के सोल्जर्स ने एक साथ फाइट की थी। ये मेमोरियल्स दिखाते हैं कि इंडिया एंड पोलैंड के रिलेशंस कितने डीप एंड हिस्टोरिकल हैं। यू शुड नो कि पोलैंड सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। टू अंडरस्टैंड इट्स लोकेशन अपनी स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। पोलैंड अपना नॉर्दर्न बॉर्डर बाल्टिक सी से शेयर करता है। आप जब यूरोप को इमेजिन करते हैं देन आप डेजर्ट के बारे में तो रेयरली सोचते होंगे, बट पोलैंड के सदर्न पार्ट में 32 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड हुआ डेजर्ट भी है। इसे ब्लेडो डेजर्ट नाम दिया जाता है। ये यूरोप के 5 नेचुरली अकरिंग डेजर्ट्स में से एक है। पोलैंड अपना लैंड बॉर्डर 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। इनमें रशिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, बेलारूस एंड लिथुआनिया शामिल हैं। ओडर, विस्तुला एंड वार्टा पोलैंड की मेजर रिवर्स हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज भूमि स्पर्श मुद्रा। आर्ट एंड कल्चर पढ़ते समय आपने बुद्ध के कई स्टैचूज के बारे में सुना होगा। कई तरह के स्टाइल्स में, जैसे गांधार मथुरा आर्ट स्टाइल में बुद्ध के कई स्टैचूज को बनाया गया है। ऐसा ही एक स्टैचू भूमि स्पर्श मुद्रा में बना बुद्ध का स्टैचू है। ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धिज्म में एक इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पोस्चर है, जो बुद्ध के एनलाइटमेंट के मोमेंट से एसोसिएटेड है। इस पोस्चर में बुद्ध अपने राइट हैंड से अर्थ को टच कर रहे हैं, वाइल द लेफ्ट हैंड लैप में मेडिटेशन के पोस्चर में रखा गया है। ये पोस्चर उस टाइम को डिपिक्ट करता है जब सिद्धार्थ गौतम बोधगया में बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे एंड उन्हें मार यानी कामदेव ने एनलाइटनमेंट अटेन करने से रोकने की कोशिश की थी। तब बुद्धा ने अर्थ को टच करके इसे विटनेस बनाया कि एनलाइटनमेंट अटेन करना उनका राइट है। ये पोस्चर बुद्धा के स्टेडफास्टनेस, विक्ट्री ओवर टेम्पटेशंस एंड अर्थ के साथ उनके डीप कनेक्शंस का सिंबल है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मेघालय के गारो हिल्स में 2 इयर्स ओल्ड एक चाइल्ड में पोलियो डायग्नोस हुआ है। इसका कॉज पोलियो वैक्सीन बताया जा रहा है, यानी ये वैक्सीन से कॉज होने वाले पोलियो का एक टाइप है, जो लो इम्यूनिटी वाले लोगों में इन्फेक्शन का रीजन बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये वाइल्ड पोलियो वायरस का केस नहीं है। ऐसे केसेस तब अराइज होते हैं जब ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी में यूज किया गया पोलियो वायरस का वीक टाइप म्यूटेट हो जाता है एंड इट रीगेन्स द एबिलिटी टू हार्म द बॉडी। ये केस तब आया है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था एंड वाइल्ड पोलियो वायरस का लास्ट केस देश में 2011 में रिपोर्ट किया गया था। 4 स्टेट्स में 60 फेयर प्राइस शॉप्स FPS यानी राशन शॉप्स को जन पोषण केंद्र में कन्वर्ट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस ओकेजन पर FPS सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्वालिटी मैनुअल हैंडबुक एटसेट्रा को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का एम FPS की वायबिलिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत FPS डीलर्स को सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स के अलावा अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने की परमिशन होगी, जैसे कोर्स ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल, स्पाइसेस एटसेट्रा रीजनेबल रेट्स पर अवेलेबल होंगे। 23 अगस्त यानी आज इंडिया अपना फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। इसकी थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। इस ओकेजन पर इंडियन स्पेस हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इनफैक्ट इंडिया मून की सरफेस पर कदम रखने वाली वर्ल्ड की 4th कंट्री बनी एंड मून के साउथ पोलर रीजन में पहुंचने वाली वर्ल्ड की 1st कंट्री बनी थी। इन दोनों अचीवमेंट्स को इंडिया ने 23 अगस्त को ही अचीव किया था। असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिजेज एंड डाइवोर्स के रजिस्ट्रेशन, हेरिटेज साइट्स एंड ट्राइबल लैंड्स के प्रोटेक्शन को रेगुलेट करने के लिए 3 न्यू ड्राफ्ट्स को अप्रूव कर दिया है। ये न्यू बिल्स स्टेट असेंबली के ऑटम सेशन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इनमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन का सब्जेक्ट बना है मुस्लिम मैरिजेज एंड डाइवोर्सेज के रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने वाला ड्राफ्ट, जो असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रिपील कर देगा। इस लॉ के तहत काजी, दैट इज मुस्लिम लॉयर्स, मुस्लिम मैरिजेज एंड डाइवोर्सेज को रजिस्टर करते थे। When the new law comes into force, then इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रजिस्टर करेंगे। पुराने बिल में माइनर्स की मैरिज रजिस्टर करने का प्रोविजन था, जो नए लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टॉप हो जाएगा। इसे स्टेट में चाइल्ड मैरिज को एंड करने के अटेम्प्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR को अनवेल किया गया। इसका एम इंडिया और डेनमार्क दोनों कंट्रीज के एक्सपर्टीज को लेवरेज करके वरुणा रिवर को रिवाइव करना है। इस इनिशिएटिव में एक हाइब्रिड लैब मॉडल एंड वरुणा रिवर पर एक ऑन फील्ड लिविंग लैब शामिल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT BHU एंड गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के बीच एक ट्राइपर्टाइड एग्रीमेंट है। SLCR इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एंड इवेल्युएशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। ये इंडिया एंड डेनमार्क की गवर्नमेंट्स के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का भी पार्ट है। वरुणा रिवर गंगा की एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है जो निगोह तहसील के संत रविदास नगर से ओरिजिनेट होती है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements. Poland is located in Central Europe. Poland is a landlocked country. The Battle of Monte Cassino took place in India during World War II. Use the options given below to select the correct answer. Only 1 and 2, only 1, only 3. 1, 2 and 3. Second question is, consider the following statements regarding National Space Day. National Space Day is celebrated on 23rd of August. In 2024, its theme is Touching Lives While Touching the Moon, India's Space Saga. On this day, India sent Mangalyaan into space. Use the options given below to select the correct answer. Only 1 and 2, only 1, only 3, or 1, 2 and 3. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. RBI Governor Shaktikant Das has received A+ grade in Global Finance Central Banker Report Cards 2024. RBI is an institution fully owned by the Government of India. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option C, both 1 and 2. Second question was, in India, the central bank is called the lender of the last resort. What is the meaning of this term? The central bank gives loans to business and industrial organizations when they do not get loans from anywhere else. Provides liquidity to banks during temporary crisis. Gives loans to the government to meet the budget deficit. Use the options given below to choose the correct answer. Only 1 and 2, only 2, only 3. Or 1, 2 and 3, and the correct answer is option B, only 2. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ। थैंक्स।